मैं गलती से एक्ट्रेस बन गई हूँ, क्योंकि जब एक्टिंग भी करती हूँ ना, मैं उसको 9 to 5 के जॉब की तरह करती हूँ. यू नो, मैं सेट पे आऊंगी, मैं एक्टिंग करती हूँ और फिर घर जाके मैं भूल जाती हूँ. और घर पे मैं ऐसी चीजें करती हूँ जो आप शायद सोच नहीं सकते कि एक्टर्स करते हैं. या कलर कोऑर्डिनेटिंग आल्सो, टर्निंग द होल वर्ल्ड ग्रीन विद एनवी. तुलना तो भूल जाओ. आई एम जूनियर पीसी एंड आई विल रिमेन जूनियर. और 100 साल लग जाएंगे प्रियंका चोपड़ा जैसा लेजेंड आने के लिए. फ्री हूँ मैं. नहीं. प्लीज ये बात दोबारा बोलिए कि अभी भी कोविड है, लोग भूलना शुरू कर रहे हैं. लोग सोचते हैं ना कि अरे आपकी फिल्में नहीं चली, आपको कैसा लगा. मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इम्प्रूव किया, बट मैंने नहीं सोचा इतना. मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में ये हो सकता है. हेलो एंड वेलकम टू एबीपी अनकट. मेरे साथ है परिणीति चोपड़ा, सिंगर, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, इन शॉर्ट परी. Usually, आप क्या प्रेफर करती हैं कि लोग आपको परिणीति बुलाएं या परी? आई थिंक मेरी जिंदगी में कुछ कुल मिला के 5 लोग हैं जो मुझे परिणीति बोलते हैं. सब मुझे परी बोल रहे हैं. राइट. एंड आप लोग सब जो मुझे जानते हैं, या फैंस या इंडस्ट्री वाले या जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उनके लिए मैं परी हूँ. और मैं मेरे घर वालों के लिए टिशा हूँ, जो मेरा पेट नेम है, जो सब जानते हैं. तो एक्चुअली परिणीति कोई बोलता है तो मैं एक मिनट घूम के देखती हूँ कि डांट पड़ने वाली है क्या, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है. यू नो, इफ एनीबडी सेज परिणीति टू मी. पर मुझे ये बताइए कि आप बकायदा सिंगर हैं, राइट? आई डोंट नो कितने व्यूअर्स हमारे जानते होंगे कि यू एक्चुअली हैव अ बीए ऑनर्स. बीए ऑनर्स की डिग्री आपने हासिल की है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में. इज दैट राइट? एब्सोल्युटली राइट. कुछ लोग जानते हैं मैंने जो एक दो गाने गाए हैं प्रोफेशनली, मतलब इंडस्ट्री में आने के बाद. तो उसके बाद अक्सर ये चर्चा होती है कि आपने कहीं सीखा है या नहीं. तो उस टाइम जब मैं बोलती हूँ तो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं. मैं खुद ही नहीं कभी सोचती थी कि मैंने कुछ बहुत इम्प्रेसिव किया है म्यूजिक सीखकर. पर आप मुझे ये बताइए कि जब आप बचपन में, ऑफ कोर्स आप टैलेंटेड सिंगर तब भी रही होंगी, एंड यूजुअली क्या होता है कि जब घर पे कोई पेरेंट्स के गेस्ट आते हैं तो बच्चों को गाना पड़ता है, अगर बच्चा अगर सिंगर हो तो, राइट? तो यूजुअली कौन सा गाना आपको कहते थे गाने के लिए? आई हैव अ फीलिंग कि आपको कहते होंगे गाने के लिए वो सुनीता राव का जो गाना है, परी हूं मैं. नहीं. वो लोग जब मुझे चिढ़ाना चाहते थे या जब मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं कमरे में एंटर होती तो वो बोलते परी हूं मैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं. बट एक्चुअली मेरा उल्टा था. जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे लोगों के सामने गाने के लिए, और मैं एक्चुअली जब मैं 3 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली कभी शर्म नहीं थी लोगों के सामने गाने. मुझे तो मौका चाहिए था, यू नो. तो कभी भी चाहे पार्टी हो या कुछ भी हो, हमने एक सिंगिंग ग्रुप्स भी बनाए हुए थे अम्बाला में, एंड हम लोग उनमें, यू नो, हर संडे हम लोग गाना गाते थे. प्लस मैं अपने स्कूल को, अपने जो म्यूजिक स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी स्टेट लेवल, इंडिया लेवल में. तो मैं तो स्टेज में ही बड़ी हुई हूँ मुझे लगता है. और साथ ही साथ मैं बहुत पढ़ाकू लड़की भी थी, तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी. स्कूल की हेड गर्ल थी, स्कूल की टॉपर, इंडिया की टॉपर, ऐसे मैं अच्छे मार्क्स लाती थी और अच्छा करती थी. सो आई वॉज दैट ऑलराउंडर चाइल्ड, यू नो. तो मेरे को तो अगर पेरेंट्स बोलते कि अरे तुम आगे जाओ, तो आई यूज टू लव इट कि मैं बीच में हूँ और सब मुझे देख रहे हैं, यू नो, लाइक आई यूज टू लव इट. आई एम नॉट सरप्राइज कि आपको इतना कम स्टेज फ्राइड है कि आपने हाथ में ही माइक पकड़ा हुआ है. मुझे स्टेज फ्राइड जैसी चीज मुझे है ही नहीं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ. जब मैं एक्चुअली, अगर जैसे हम किसी अवार्ड शो में डांस करते हैं या कभी भी जाते हैं, वो जो एकदम जाने से पहले 2 सेकंड होता है ना, मैं रिविजन कर रही होती हूँ और मैं स्ट्रेस ले रही होती हूँ कि अब आज मुझसे नहीं होगा. लेकिन मैं जैसे स्टेज पे जाती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ ना, मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि फिर मैं खुली होके, यू नो, डांस करती हूँ या गाती हूँ या व्हाटएवर. मुझे बहुत मजा आता है स्टेज में. लाइक जब मैं फिल्म की शूटिंग भी करती हूँ, मुझे लगता है कि काश यहाँ पे क्राउड होता तो मैं उनके लिए परफॉर्म करूँ, यू नो, जैसे थिएटर में करते थे. एक कैमरा के साथ वो सेम हाई नहीं मिलता मुझे. लाइव इंटरेक्शन होता है. दर्शकों को बता दूं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑफिशियली पहली बार मिल रहे हैं और स्क्रीन पर मिल रहे हैं प्योरली बिकॉज अभी भी, यू नो, कोविड का एक प्रकोप है, पैंडेमिक अभी भी है. प्लीज ये बात दोबारा बोलिए कि अभी भी कोविड है, लोग भूलना शुरू कर रहे हैं और लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं. और आई थिंक ये आपका और मेरा काम है कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि प्लीज गाइज, अभी भी कोविड है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज अभी भी मास्क पहन के रखिए. परी, कैसा रहा आपके लिए, यू नो, दैट होल लॉकडाउन, घर पे रहना,
एंड एज एन एक्टर, बिकॉज एक्टर को सेट पे रहना जरूरी है, बिकॉज दैट्स वेयर यू परफॉर्म, दैट्स वेयर बिल्कुल आपकी क्राफ्ट है. यू नो मयंक, एक्चुअली मैं एक थोड़ी अलग टाइप की पर्सनालिटी हूँ और मैं गलती से एक्ट्रेस बन गई हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली आती हूँ एक बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड से और मैं बैंकर बनना चाहती थी. मैं लंदन में रहती थी, तो यहाँ पर भी मैं जब एक्टिंग भी करती हूँ ना, मैं उसको 9 to 5 के जॉब की तरह करती हूँ. यू नो मैं सेट पे आऊंगी, मैं एक्टिंग करती हूँ और फिर घर जाके मैं भूल जाती हूँ. और घर पे मैं ऐसी चीजें करती हूँ जो आप शायद सोच नहीं सकते कि एक्टर्स करते हैं. यू नो आई नो बहुत लोगों के लिए मुश्किल था, पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे वो ऑफ टाइम मिला, मुझे यू नो खुद के साथ समय बिताने का मौका मिला. फिर आई थिंक कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत ट्रैवल करती है, एंड इवन मतलब मैं वो नहीं हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे सब कुछ लगाती हूँ, तो आधी चीजें तो लोगों को पता ही नहीं होती कि मैं यू नो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा सपना है जिंदगी में. हर 2 महीने में, हर 1 महीने में मैं कोई ना कोई मैप पे देख के एक नई जगह मैं वहां चली जाती हूँ. यू नो सो जून जुलाई तक मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था घर रहना, तो मैं एक्चुअली लंदन चली गई जुलाई में. और फिर मैंने लंदन में बाकी लॉकडाउन बिताया. मैं आती थी काम के लिए, लेकिन क्वारंटीन रूल्स थे, तो यहाँ पे 14 दिन वहां पे 14 दिन, तो टाइम लगता था. पर मैं वहां चली गई एंड उसकी वजह से यू नो मेरा दिमाग सही जगह पे रहा एंड मैं खुश रही, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ बॉम्बे में, तो अकेले रहना इज वेरी डिफिकल्ट. तो मैं वहां चली गई. बट ऑनेस्टली कैन आई टेल यू, एंड आई एम श्योर आप ये समझेंगे कि 2020 लॉजिस्टिकली और प्रोफेशनली बहुत बुरा साल था सबके लिए. हमने बहुत कम काम किया, लेकिन आई थिंक इमोशनली और मैच्योरिटी के लिए सबसे अच्छा साल था. यू नो आई थिंक इस पॉज बटन का बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत जरूर. हम लोग यू नो अनुपम सर, अनुपम खेर ने एक बहुत अच्छी लाइन मुझे बोली थी कि वी वर ऑल रनिंग फास्ट नो वेयर, टूडे वी आर वॉकिंग स्लो समवेयर. पहले हम बस भसड़ में भाग रहे थे और बस रोज बिजी होके हम अपने आप को थपथपाते थे कि आज मैं बड़ा बिजी था और मैं बड़ा थक गया हूँ, यू नो मेरे पास टाइम नहीं है किसी को फोन करने के लिए. बट वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, वो हमारी वीकनेस थी, जो अब आई थिंक अब ठीक होगी जाके. बट प्रोफेशनली परी फॉर यू, इन फैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब लॉकडाउन हुआ उस समय आप प्रमोट करी थी एक फिल्म जी, संदीप और पिंकी फराजो की, यशराज की फिल्म है. आपने शायद साइना नेहवाल जो बायोपिक जिस पर आप काम कर रही हैं उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी थी, तब तक पूरी खत्म हो चुकी थी. बिल्कुल, गर्ल और साइन, मैंने थैंकफुली शूटिंग मेरी सब कंप्लीट हो गई थी. एंड द गर्ल ऑन द ट्रेन जो फिल्म है, जो आपकी फर्स्ट रिलीज है इन 2021, ये भी कंप्लीट हो चुकी थी और थिएटर में रिलीज होने वाली थी, एंड अब ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा था परी, और उसमें आपने कहा कि फिल्म की जो एक एक्टिंग होती है उसका एक अपना एक अंदाज होता है, एक अपनी अदा होती है, एक अपनी पिच होती है, टोन होती है, जो कि एंड प्योरली बिकॉज फिल्म थिएटर्स में चलती हैं, हजारों लोग एक साथ देखते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. ये फिल्म जो है, ये फिल्म अगर थिएटर पर नहीं आ रही होती, डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर आ रही होती, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस अलग होती, क्योंकि ये अब थिएटर पर नहीं, मेरे लैपटॉप पर चल सकती है, टेलीविजन स्क्रीन पर चल सकती है. ऑफ कोर्स टेलीविजन स्क्रीन जब बड़े होते हैं लोग फैमिलीज के साथ भी देखते हैं. जी जी जी. परफॉर्मेंस की जो टोन है, क्या वो अलग होता है परी? आई थिंक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर ये है कि जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस फिल्मी एक्टिंग, जो एक बहुत अलग जॉनर ऑफ फिल्म है. जैसे मैंने बहुत सारी फिल्म्स की हैं, जैसे गोलमाल 4 या केसरी, या यू नो एक अलग जॉनर होता है. हाँ, जो कमर्शियल फिल्म्स होती है, जैसे मेरी जो अगली फिल्म है एनिमल, वो भी एक कमर्शियल बड़ी मसाला फिल्म होने वाली है. सो देयर इज अ सर्टेन जॉनर ऑफ फिल्म जिसमें फिल्म और सिनेमास को सेलिब्रेट किया जाता है. गर्ल ऑन द ट्रेन, चाहे वो थिएटर में आए या OTT पे आए, उसमें आप परफॉर्मेंस अलग नहीं करते, आप यू जस्ट प्ले द कैरेक्टर. तो मेरे लिए तो एक्चुअली बिल्कुल सेम था. मैं बस यू नो इट्स सो वियर्ड, मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगी, बट मेरे लिए जो 2020 आया ना, ये बड़ा एक अजीब सा पोएटिक टाइम पे भी आया, क्योंकि मैं जिस तरह की फिल्में करती थी, मैं उससे एक चेंज चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मैं कुछ नया करूं और मैं अपने आप को रीइन्वेंट करूं और मैं लोगों को सरप्राइज करूं. यू नो आप जैसे लोगों को सरप्राइज करूं जो मुझसे एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं. और मुझे पता था कि मेरे अंदर और बहुत कुछ है, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा है, मुझे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं वो. क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं एक ही चीज कर सकती हूँ, यू नो. सो
बिल्कुल करेक्ट टाइम पे गर्ल ऑन द ट्रेन, साइना नेहवाल, ऐसी फिल्में मेरी लाइफ में आई जिस विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. इट्स वेरी वियर्ड कि एक फेज मेरे दिमाग में बंद हुआ है और एक दूसरा फेज चालू हो रहा है, यू नो. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि गर्ल ऑन द ट्रेन OTT पे आ रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग देखें. मैं चाहती हूँ कि यू नो, जो लोग सिनेमाज में अभी नहीं जाने को तैयार है या नहीं जा रहे, कुछ जगहों पे सिनेमाज अभी खुले भी नहीं है, एंड नेटफ्लिक्स हमारे लिए 190 कंट्रीज में रिलीज करता है, सो इट्स द बिगेस्ट लग्जरी, इट्स द परफेक्ट होम फॉर माई फिल्म. यू टॉकिंग अबाउट कि एक साल कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, एंड जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं फरियान, दैट्स रियली व्हाट योर स्टोरी इज इन अ रियल सेंस. अगर देखा जाए तो एक साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल गई थी अराउंड 10 साल पहले. इनफैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले. या 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 2011 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप यशराज फिल्म्स में काम करती थी इन द मार्केटिंग एंड पीआर डिपार्टमेंट, और उसके बाद सडनली आपको 3 फिल्म डील मिला, सडनली आपको पहली फिल्म मिली, डेब्यू फिल्म विच वॉज लेडीज वर्सेज विक्की बेल. उसके बाद आपने इशक जादे की, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल थी, वो सेकेंड फिल्म थी यशराज की. उसके बाद आप, उसमें आपको नेशनल अवार्ड मिला. ये सब कुछ एक साल के अंदर हुआ. बिल्कुल right? सही, बिल्कुल. आई मीन ऑब्वियसली आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती होंगी. नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं. डू यू नो मयंक, मेरा जो नाम है परिणीति, इट मींस डेस्टिनी, इट मींस फेट. एंड मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ फेट में. जो आपने सब बातें कही, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में ये हो सकता है. मैं वो लड़की थी जो, मैं बड़े होते हुए मैंने कभी फिल्म्स भी नहीं देखी, क्योंकि आई टोल्ड यू मैं वो पढ़ाकू लड़की थी, याद है, यू नो, जो फिल्म्स और ये इन सब चीजों से मैं बहुत दूर होती थी. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड सडनली फॉर मी इन 2011, यू नो, सडनली, यू नो, मेरी पहली 4 फिल्म्स इतनी बड़ी हिट्स हुई, एंड यू नो, ये सब अवार्ड्स, ये सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ. मैं एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस कहलाने लगी शुरू में ही. तो मैंने कभी वो स्ट्रगल देखा नहीं. मेरा स्ट्रगल आया उसके बाद, यू नो, उसके बाद जब यू नो फिल्में चली नहीं, मैंने कुछ गलत फिल्म्स की, मैं भी यू नो ऑन द जॉब लर्न कर रही थी, मैं पब्लिक में गलतियां कर रही थी, गलतियां मींस गलत फिल्म या गलत कपड़े या गलत इंटरव्यू या कुछ भी गलत. तो मैंने बहुत कुछ सीखा. तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल और ट्रेनिंग मेरी होनी चाहिए थी आने से पहले, वो मेरी बीच में हुई है. और अब मैं जितना कुछ भी सीखी हूँ, आई होप कि अब मैं वो उसको अप्लाई करूंगी, एंड आई होप कि अब मैं करेक्ट चॉइसेस करूंगी, यू नो. If I'm not mistaken, Pari, जो आपकी तीसरी फिल्म थी for यशराज would be शुद्ध देसी रोमांस, right? Yes, yeah, correct. That would be correct. Absolutely correct. And उस फिल्म में, मैं उस फिल्म के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा purely because उस फिल्म के co-star आपके सुशांत सिंह राजपूत थे. Yeah. Someone we lost in 2020. जब आप उनको याद करती हैं, is there any कोई किस्सा याद आता है परी, जो आप usually discuss करती हैं दोस्तों के साथ about him when you remember him? जब आप उनके बारे में सोचती हैं. सुशी, आई यूज टू कॉल हिम, एंड आई यूज टू कॉल हिम रघु, क्योंकि शुद्ध देसी रोमांस में उसके कैरेक्टर का नाम रघु था. तो आज तक मतलब जब तक वो था, मैं उसको रघु बोलती थी और वो मुझे टिशा बोलता था. एंड ही वॉज दी ओनली को एक्टर जो मुझे मेरे पेट नेम से बुलाता है, टिशा. वो भी एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आया था, वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आया था. मैं बैंकिंग के बैकग्राउंड से आई थी. हम लोग दोनों नॉर्थ इंडियंस, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ अनस्पोकन केमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज. कोई किस्सा याद आता है विच सॉर्ट ऑफ गिव्स अस अ सेंस ऑफ who he was through you? I remember, actually not only शुद्ध देसी रोमांस, हम दोनों एक और फिल्म करने वाले थे साथ में, होमी आडजानिया की फिल्म तकदुम. इनफैक्ट उसमें सुशांत था और इरफान सर थे, एंड देयर वाज मी एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय होमी. एंड यू नो, मैं उसको इतना डांटती थी इस बात पे कि जब मैं कोई सीन डिस्कस करती थी और अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि आपको इस सीन में, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, उदास होना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसको, उसके लिए वो वर्ड उदास काफी नहीं था. वो बोलता था, नहीं नहीं, व्हाट डू मीन सैड, दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल एंड वन लेयर्ड एंड वन डायमेंशनल इमोशन, टेल मी मोर. सो आई यूज टू बी लाइक, मोटा मोटा समझ लेना, कर लेना सीन, समझ तो आ गया ना, क्या करना है. ही यूज टू बी लाइक, नहीं नहीं नहीं. फिर वो फिजिक्स का एंगल डालता था इमोशंस में और समझता था, नहीं तुम ऐसा करोगी तो मैं ऐसा करूंगा, तो हम ऐसे बात करेंगे और हम ऐसे खड़ा होएंगे. और मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी पागल है, लाइक ही इज सो
सो वेल रेड एंड सो टैलेंटेड कि ये पागल है, हम लोग कभी भी इसके लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे. एंड जब वो सीन करता था ऐसे लगता था उसने कभी होमवर्क किया ही नहीं. यू नो ही यूज्ड टू पुट सो मच एफर्ट दैट इट यूज्ड टू लुक एफर्टलेस. ही यूज्ड टू पुट एफर्ट टू बी नेचुरल. I mean, it was impossible. It was not effort to be natural. It was so much preparation and so much homework that he would become the character and it would become effortless. Correct. You know, he was that guy. So, I still don't believe he's not there. मुझे तो अभी भी लगता है जैसे हम लोग अभी कोविड की वजह से नहीं मिले हैं काफी टाइम तक और उसके बाद मिलेंगे. You know, मुझे लगता ही नहीं है जैसे वो है ही नहीं. But God bless him and I hope he's fine and wherever he is and his family is fine. क्या क्या मुश्किल होता है उस समय when you are in that state कि आगे क्या करना है और you have to work on yourself, it's like a finishing school. कुछ लोगों का ये इम्प्रेशन है मेरे बारे में कि मैं बहुत फिल्मी लड़की हूँ. एक्चुअली मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. मैं फिल्में नहीं देखती और मैं बॉलीवुड में बड़ी नहीं हुई हूँ और मेरे इतने ज्यादा इंटरेस्ट हैं इस इंडस्ट्री के बाहर कि लोग सोचते हैं ना कि अरे आपकी फिल्में नहीं चली आपको कैसा लगा. मुझे लगता है कि हाँ मैंने इम्प्रूव किया बट मैंने नहीं सोचा इतना यू नो क्योंकि मैं इतनी दूसरी चीजें कर रही होती हूँ अपनी लाइफ में एंड आई एम सो बिजी इन अदर थिंग्स दैट. गिव मी एन एग्जांपल ट्रैवल के अलावा. लाइक आई रीड अ लॉट. आई स्कूबा डाइव अ लॉट. आई मेक श्योर कि मैं स्कूबा डाइविंग ट्रिप्स पे जाऊं एंड लाइक विद सीरियस डाइवर्स एंड प्रॉपर डाइविंग यू नो वी डू. तो देयर इज अ लॉट टू डू. एंड कई लोग सोचते हैं कि एक्टर्स की जिंदगी सिर्फ एक्टिंग और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है लेकिन कई एक्टर्स का ऐसा नहीं होता. यू नो कई एक्टर्स दे लव देयर जॉब बट दे हैव अ लाइफ ऑल्सो. आई एम वन ऑफ देम. सो एक्चुअली वो 6 महीने का ब्रेक मुश्किल नहीं था. आई वॉन्टेड टू लूज वेट एट दैट टाइम. मुझे फिट होना था. मुझे मेरा घर बनाना था. मुझे इतना कुछ करना था कि मुझे लगा मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं फिल्म्स नहीं शूट करूंगी. यू नो ओनली प्रॉब्लम इज कि जो भी हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट्स मिस्टेक्स जो कुछ भी मान लो वो आप लोगों के सामने होता है और वो इमीडिएटली उसके बारे में डिस्कशन चालू हो जाता है. तो बहुत प्रेशर आ जाता है हम पे कि आप लोग क्या कर रहे हो आप क्यों नहीं कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो. बट व्हेन यू गाइज टेक दोज ब्रेक्स एंड समटाइम्स यू डोंट वर्क फॉर 10-15 डेज नोबडी आस्क्स यू. या सो आई जस्ट फील दैट कभी कभी एक्टर्स को वो स्पेस नहीं दिया जाता. लेकिन हम लोग भी इंसान है और हम लोग भी अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं फिल्में भी कर रहे हैं बट जिंदगी भी जी रहे हैं. तो यू नो जस्ट अलाउ अस टू ऑल्सो लर्न एंड ग्रो एंड डू ऑल दिस. ऑफ कोर्स अभी ये जो आपका फेज है ये तो रिवर्स है उसका. आई होप सो. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक तरह से आपका कमबैक ईयर कह सकते हैं हम अगर तीन बनी बनाई फिल्में हैं जो रिलीज के लिए रेडी है बट ऑब्वियसली आप और भी फिल्मों में काम करेंगे. सो दैट बी अ सीरीज ऑफ परी पिक्चर्स. Honestly, can I tell you, like, अब अगर आप मुझे बोलो कि कल आपको एक डे ऑफ लेना है और आपको घर पे रहना है मुझे बिल्कुल नहीं रहना. लाइक आई थिंक बहुत ब्रेक हो गया लास्ट ईयर. अभी हो गया अब मैं पक गई हूँ घर पे रह के और इधर उधर का टाइम पास ढूंढने के लिए. अभी मुझे सिर्फ काम करना है एंड मेरे पास जेन्युइनली बहुत अभी चीजें हैं करने को. अभी गर्ल ऑन द ट्रेन रिलीज होगी उसके बाद साइना नेहवाल पे काम शुरू होगा. फिर मेरी अगली फिल्म है एनिमल उसकी शूटिंग चालू होगी. एक और फिल्म है जो हमने अभी अनाउंस नहीं की है वो उसकी शूट होगी. सो आई डोंट हैव टाइम एंड आई डोंट वॉन्ट टू हैव टाइम. आई जस्ट वॉन्ट टू बी बिजी. अगर आप किसी स्कूल में हो और आप भले टॉपर हो उस स्कूल के बट अगर आपकी बहन या भाई उस स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो तो हमेशा आपकी तुलना की जाती है उसके साथ. एंड इन दिस केस ऑफ कोर्स दैट बहन इज प्रियंका चोपड़ा इज द हेड गर्ल. शी इज अ हेड गर्ल. शी इज अ बॉलीवुड हेड गर्ल हॉलीवुड हेड गर्ल यू नो फ्रॉम इंडिया फॉर श्योर. क्या क्या बहुत ज्यादा तुलना की जाती है आप जहां भी जाते हैं यू नो प्रियंका चोपड़ा परिणीति चोपड़ा अभी पीसी आप भी पीसी है. बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली हमारी तुलना कभी नहीं की जाती. मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि यू नो आपकी बहन ये कर रही है और लिस्ट हमेशा बहुत लंबी होती है कि उन्होंने ये भी किया उन्होंने ये भी किया. और मैं ऐसे और सीधा बैठ जाती हूँ कि हाँ मेरी बहन है बॉस. लाइक यू नो मेरी बहन ने ये किया है. आई फील वेरी प्राउड. तो एक्चुअली तुलना तो दूर की बात है. मतलब वो मुझसे 20 साल आगे हैं इस इंडस्ट्री में तो उन्होंने बहुत कुछ किया है एंड मैं सिर्फ इंस्पायर होती हूँ. और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि क्योंकि वो मेरी बहन है मैं कभी भी फोन उठा सकती हूँ मैं कभी भी उनसे मिल सकती हूँ और ये लग्जरी है मेरे लिए. यू नो कभी भी मैं फंसती हूँ मैं सबसे पहले उनको फोन करती हूँ कि यू नो मुझे लग रहा है कि यू नो इस डायरेक्टर ने मुझसे ऐसे बात की मैं कैसे हैंडल करूँ इस सिचुएशन को. और वो बताती है मुझे
एंड नॉट ओनली प्रोफेशनल, बाय द वे पर्सनल लाइफ में मुझे ज्यादा डांट पड़ती है अगर मैं कुछ इधर उधर करती हूँ तो, कि मैंने तो तुम्हें 6 महीने पहले बोला था ये करने के लिए, तुमने क्यों नहीं किया. सो इट्स अमेजिंग टू हैव एन एल्डर सिस्टर लाइक दैट हु यू नो वो इतनी सक्सेसफुल है अपनी दुनिया में, लेकिन उसका मतलब जो रोल एज अ सिस्टर, रोल एज अ डॉटर, रोल एज अ वाइफ, वो उसको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है. यू नो दैट इज अमेजिंग. हाल में ही उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है, अपनी आत्मकथा लिखी है अनफिनिश्ड. आपने पढ़ी हुई था? मैंने एक्चुअली अभी तक नहीं पढ़ी. मैं 6 महीने पहले जब मैंने आपको बताया था मैं लंदन शिफ्ट हुई थी, तो उस टाइम वो भी लंदन शिफ्ट हुई थी, वो अभी 1 साल वहां रहने वाली है, वो शूट कर रही है. तो उस टाइम भी मैंने कोशिश की थी कि क्या मुझे मिल सकता है कुछ स्नीक पीक, लेकिन नहीं मिला. बट एक्चुअली काफी कुछ मैंने पढ़ा है, वो बुक मैंने ऑर्डर किया है, वो आ रही है, और मेरी पर्सनलाइज बुक बाद में आएगी. बट हाँ, मुझे जल्दी से पढ़ना है क्योंकि ऑफकोर्स वो हमारी पूरी फैमिली उस बुक के अंदर है एंड उसके ग्रोइंग अप इयर्स. सो आई एम डाइंग टू सी व्हाट ऑल शी इज रिटन, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर. शी इज ओनली लाइक व्हाट 38 एंड जस्ट लुक एट what all she's achieved in her life. But agar aapne jab agar aap likhti hain apna memoir whenever and I hope you write one because you come across extremely articulate, aapka favorite Priyanka Chopra story kya hoga us kitab mein? Unki story ji. You know it's amazing. hum log jab Ambala mein, so main Ambala se hu and jo hamara Ambala ka ghar hai, दैट्स लाइक द चोपड़ा फैमिली अड्डा. मतलब जब कोई बहुत बड़े सेलिब्रेशन होते हैं या कोई लाइक न्यू ईयर्स या कुछ, तो पूरा फैमिली अम्बाला आ जाता है एंड वी हैव दिस ह्यूज ग्राउंड्स, तो बॉन फायर ये सब होता है हमारे घर में. तो जब बहुत पुराना, जब हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था घर ठीक से, सो वी यूज टू हैव दिस लिटिल वाटर टैंक जो स्टेज की तरह दिखता था. यू नो लाइक अ लिटिल स्टेज, उस पर आप खड़े हो तो आपको लगता है कि यू नो नीचे ऑडियंस है और आप स्टेज पे हो. तो शी एंड आई, हम लोग घर घर खेलते थे एंड वी यूज टू पुट अप दीज परफॉर्मेंसेज ऑन स्टेज. लाइक हम लोग डांस करते थे या हम लोग गाते थे. दिस वॉज आफ्टर शी केम बैक फ्रॉम अमेरिका, जब वो आई थी मिस इंडिया से बिल्कुल पहले. तो लाइक शी हैड बिकम दिस कूल गर्ल एंड हम लोग सब उनको देखते थे कि ये क्या हूर परी मरमेड आई है वापस. यू नो लाइक व्हेन शी लेफ्ट शी वाज अ टीनेजर एंड व्हेन शी केम बैक शी वाज दिस गॉर्जियस 17 ईयर ओल्ड स्टनिंग टॉल गर्ल. यू नो सो वी वर ऑल लाइक हा लाइक दिस यू नो. सो वी यूज टू डू दिस परफॉर्म, लाइक वी वुड मेक द फैमिली सिट डाउन एंड वी वुड जस्ट सिंग दीज सॉन्ग्स एंड एवरीबडी एंड थॉट, आई मीन इमेजिन नन ऑफ अस थॉट दैट वी वुड एंड अप बीइंग एक्ट्रेसेस वन डे. यू नो It was amazing, like amazing, amazing memories growing up with her. एक occupational hazard होता है हर singer का, and that is always true for all the interviews, कि चाहे कुछ भी हो जाए बनाना पड़ता है end में. Stop. But if you can just remember कि कौन सा गाना था जो आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ गाया on top of that particular tank in Ambala. Actually, there was not a particular song. उनके जो फादर थे मेरे बड़े पापा एंड मेरे जो डैड थे, उनका एक बैंड था कॉल्ड चोपड़ा ब्रदर्स. तो चोपड़ा ब्रदर्स के जो ब्रदर्स एंड उनकी बेटियां, मतलब मैं मेरे डैड के सामने और वो अपने डैड के सामने, हम दोनों ऐसे माइक पकड़ के स्टेज पे उनके सामने खड़े होके गाते थे. यू नो व्हेन वी वर यंग. So we, like she always used to be this western singer and I always used to be this desi singer, but we used to sing with our dads, you know, that was our training because both the dads are fantastic singers. So I don't even remember what all we used to sing, but it used to be a lot of Mohammad Rafi and Mukesh songs, you know, at that time. So abhi wo sab main nahi gaungi bilkul bhi, matlab log sochenge main kya kar rahi hu, but It was an amazing childhood. Let me just say this, you know, it was an amazing childhood. Chopra kids are brought up in a very cool way. You have sung for a girl on the train. Yes. आपने बका दिया गाना गाया है. अगर वही गुनगुना दें, that's our पैसा वसूल. पैसा वसूल. So I have sung this song called मतलबी यारियां in the film. I'll sing 2 lines. सोई नजर में सौ दर्द जागे, बिखरती गई मैं जोड़ जोड़ धागे, हारियां यारा मतलबी थी तेरी यारियां, हारियां
मतलबी थी तेरी यारियां। बस ऑन दैट मेलोडियस नोट परी चोपड़ा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।